गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं आज चैप्टर थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड व्हाट प्रॉब्लम करवाऊंगी। फर्स्ट वाला मैं वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, आप लोग देखे भी होंगे, तो सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला है राजू को 20 लीटर मिल्क और रुपीज 200 रुपीज and sold it for rupees 12 per liter. How was his profit or loss? बोल रहे हैं राजू ने 20 लीटर मिल्क 200 रुपए में खरीदा और उसको पर लीटर 12 रुपए 12 रुपीस एक लीटर को करके बेची है, तो उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वही निकालना है। तो कितना कॉस्ट कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है, खरीदे हैं 200 रुपीस में, खरीदने को कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, उसको लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। और is equal to rupees 200. अब सेलिंग सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ मिल is equal to 12 multiply 20. 12 है 12 रुपीस एक लीटर, एक लीटर दूध कितने में बचे हैं 12 रुपीस के। अब खरीदे थे कितना लीटर दूध, 20 लीटर दूध मिल्क, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वही सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से आएगा 240 रुपीज। तो जीरो का जीरो उतर, जीरो का जीरो उतरेगा टू का फोर टू आया टू, इतना रुपीज क्या आया सेलिंग प्राइस, बेचे हैं, सेलिंग मतलब बेचना। तो कितने रुपए में खरीदे थे 200 रुपीस, बेचे हैं 240, तो ज्यादा में बेचे हैं तो क्या होगा, तुम कम में खरीदोगे और ज्यादा में बेचोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हमको लिखना है कितना रुपीस का प्रॉफिट हुआ, कितना रुपीस का प्रॉफिट हुआ, ये 240, तो 40 रुपीस का प्रॉफिट। उसके लिए हमको फॉर्मूला में लिखना है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस बेचे है कितने में 240, खरीदे थे 200 रुपीज। अब दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा क्या 40 रुपीज, क्या है 40 रुपीस। आप इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का बताऊंगी। गुड बाय, टेक केयर।